एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज है दिवाली, तो सबको हैप्पी दिवाली मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। खूब सारी मिठाइयाँ खाना, मिठाइयाँ बांटना, बम पटाखों से भाई दूर रहना। बच्चे तो खासकर अपने बच्चों को दूर रखना, ठीक है फोड़े जाते हैं, कोई दूर रहता नहीं है, बट बच्चों को इन चीज़ों से दूर रखना, क्योंकि ये खेल नहीं होता है। कोई भी दुर्घटना कहकर नहीं आती है कि कब क्या हो जाए, है ना। तो चलो, जिस चीज़ के लिए मैं वीडियो बना रही हूँ उस चीज़ उस टॉपिक पे आ जाते हैं। शायद आप लोग देखते हो या नहीं देखते हो, मेरे थ्रू जो जा रही है, तो प्लीज़ भाई, जो प्रिया लव रोहन शर्मा नाम से चैनल है और उनकी लव मैरिज है, जितना मैंने देखा है, मैंने कभी देखा नहीं था, लेकिन बार 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 थंबनेल शो हुए जा रहा था मेरे स्क्रीन पे यूट्यूब की। जब भी मैं यूट्यूब ओपन कर रही हूँ तो उन स्क्रीन पे आए जा रहा है। तो उनका पूरा मैटर तो मेरे को नहीं पता है, बट वो घर छोड़ के चली गई है प्रिया। उनके पति घर छोड़ के गए हुए हैं, तो प्रिया भी अब घर छोड़ के चली गई है और अपने मतलब यूट्यूब चैनल के थ्रू वो सब लोगों को बता रही है कि मेरी गलती है। जैसा कि थंबनेल देख के और थोड़ा बहुत मैंने सुना वीडियो का, क्योंकि दिवाली का टाइम है, साफ़ सफाई में लगे हुए हैं, इतना टाइम है भी नहीं कि सबकी वीडियो पे प्रॉपर जा पाए, अच्छे से सुन पाए। और दूसरा, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, मेरे को पूरे दिन पेन रहा कल, स्टोन पेन इस वजह से भी। बट हाँ, थंबनेल बार बार शो हो रहा था तो मैंने थोड़ा देखा है। उनके पास छोटा सा बेबी है, पता नहीं कितने महीने का है, बिल्कुल छोटा सा बेबी है। और वो बता रही थी अपनी वीडियो में कि मैंने अपने पति को धक्के मार के लड़ाई में घर से बाहर निकाल दिया, मेरी गलती है, बार बार माफ़ी मांग रही है। तो रोहन भाई, आप कहीं भी हैं तो आ जाए अपनी पत्नी के पास, उसके पास छोटा सा बच्चा है, वो कभी ट्रेन में बैठ रही है, कभी स्टेशन पे आ जा रही, कभी पार्क में आ जा रही, बच्चों के साथ, बच्चे के साथ खुद को संभालना इतना मुश्किल है, रो भी रही है वो। तो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि प्लीज़, अगर यूट्यूब प्लेटफॉर्म से कोई भी है तो छोटी सी वीडियो बना दीजिए। दिवाली का त्यौहार है, त्यौहार पे वो दोनों अलग अलग हैं, है ना, और ख़ासकर तो मतलब छोटा बच्चा है उसके पास, तो अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। अब गलती का तो मेरे को भी नहीं पता है, देखो मैं साफ बता रही हूँ, गलती मेरे को भी नहीं पता है कि उनकी वाइफ की है या रोहन की है, मतलब प्रिया की है या रोहन की है, ये मेरे को नहीं पता है। बट गलती जो भी हो, पास बैठ के सोल्व करे तो अच्छा है। त्यौहार के टाइम पे वो बेचारी घर से बाहर है और हस्बैंड को बार 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 बुलाया जा रही है, माफ़ कर दो माफ़ कर दो, भाई और क्या माफ़ी मांगोगे। और लव मैरिज वैसे है उनकी, तो उसके तो ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जाऊँ किधर, ठीक है। वो बीच मझधार में फंस गई है एक छोटे से बेबी के साथ, तो प्रिया भाई रो मत एक तो, ठीक है, अपने बच्चों पे बच्चे पे ध्यान दो, चले जाओ घर, वापस आ जाएगा रोहन। घर छोड़ने से क्या होगा, है ना, घर छोड़ने से कुछ भी नहीं होगा। आपने घर छोड़ के देख लिया तो भी वो नहीं आ रहे हैं, तो घर चले जाओ, जब उनको आना होगा आ जाएंगे। तो रोहन भाई, आप भी अगर कहीं हैं तो अपनी बीवी बच्चों के पास चले जाओ, ऐसे नहीं छोड़ते हैं बीवी बच्चों को, ठीक है। अपनी गलती है, सॉर्ट आउट करो, जो भी डिसीजन लेना है वो डिसीजन लो, ठीक है, जो राइट लगता है, बट ऐसे घर से बाहर नहीं रहते हैं। त्यौहार के टाइम ऐसे चल रहा है और छोटा सा बेबी है, बड़ा मतलब परेशान हो रखी है वो। और सच्ची बताऊँ तो मेरे को गलती का सच में नहीं पता है किसकी, क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ, तो मैंने सोचा छोटी सी वीडियो अगर हेल्प हो जाती है तो छोटी सी वीडियो बना के मैं डाल देती हूँ। तो आप लोग भी बताइए, अगर आप लोग देखते हैं तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में बताना कि गलती है किसकी, रोहन की या प्रिया की, क्योंकि मैंने अभी देखा नहीं है अच्छे से। और घर से बाहर है एक लेडीज है आज, मतलब वो बिल्कुल लोकल उससे हैं, जितना उनका समझ में आ रहा है, उनको पता ही नहीं, क्योंकि कभी ट्रेन में बैठ रही है, कभी पार्क में आके बैठ रही है, उनको पता ही नहीं है, बिल्कुल ऐसे हो रखी है पागल सी कि करना क्या है। तो भाई सपोर्ट करो जाके, और गलती किसी की भी हो, मिलकर सॉर्ट आउट करो, दोनों हस्बैंड वाइफ, ऐसे दूर रहने से गलती का ये नहीं होता है। वो बार बार यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे माफ़ी मांग रही है आके, तो और क्या चाहते हो भाई आप, ठीक है। और चलो ठीक है, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना। बाय बाय, मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।